नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये एक बोल्ट है जिसका हेड जो है उसमें नर्लिंग की हुई है। तो ये कंपोनेंट इससे पहले भी आपने मेरे साथ क्रियो पैरामेट्रिक 5.0 पर बनाया था, तो आज इस कंपोनेंट को हम बनाएंगे केटिया V5 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल को क्लोज़ करने के बाद दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने आती है जब हम केटिया V5 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए, मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, फिर पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक किया, और इसके बाद ये जो बॉक्स आता है, यहाँ से मैं इस पर ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों हम स्केचर पर क्लिक करते हैं। स्केचर पर क्लिक करने के बाद देखिए, ये इस प्लेन को ZX प्लेन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये स्केच ओरिएंटेशन में खुल के मेरे सामने आ जाता है। अब यहाँ से मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल के लिए देखिए ये है सेंटर, मैंने सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर कर दिया। अब यहाँ से कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, देखिए कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया तो ये इसका डायमीटर हमें दिखने लगा। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसे हमें मॉडिफाई करना है, तो मैंने टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया और इसे चेंज करके कर दिया 10 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद यहाँ से हम एग्जिट करेंगे, देखिए ये है एग्जिट वर्क बेंच। यहाँ से फिर मैंने पैड पर क्लिक किया, यहाँ से वैल्यू दे दी इसकी 10, 10 नहीं सॉरी, ये 20 हो जाएगी, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए इस तरह से ये हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगा। अब इस सिलेंडर को हमने थोड़ा इस तरह से घुमाया, घुमाने के बाद फिर से मैंने स्केचर पर क्लिक किया, इसके बाद इस फेस पर क्लिक किया, ये फेस ऐसे हमारे सामने घूम कर आ गया। अब इस पर हम एक और सर्कल बनाएंगे, सेंटर वही रहेगा, इसमें भी एक क्लिक इधर एक क्लिक बाहर। इसके बाद फिर यहाँ से एग्जिट किया, सॉरी एग्जिट करने से के बाद मैं यहाँ पर पहले डबल क्लिक कर देता हूँ, इसकी डायमेंशनिंग करना हम भूल गए थे। यहाँ से फिर जाएंगे स्केचर पर, इसके सर्कमफेरेंस पर क्लिक करेंगे और एक क्लिक बाहर कर देंगे। अब डबल क्लिक किया इसे मॉडिफाई करने के लिए, इसका डायमीटर हमने कर दिया 14 mm, और यहाँ से फिर एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद फिर से पैड पर क्लिक करेंगे, और अब ये जो लेंथ हमें देनी है, ये लेंथ 20 की बजाय कर देंगे हम 5 mm, 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। देखिए ये एक हेड टाइप का बन गया इसमें। अब एक बार फिर से स्केचर पर क्लिक किया, इस वाले फेस पर जो है, ये वाला फेस, इस पर क्लिक किया हमने, ये घूमकर हमारे सामने आ गया। अब एक और सर्कल बनाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये सेंटर पर क्लिक किया, एक क्लिक बाहर। अब चूंकि ये हमें देखिए, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑरेंज कलर से नज़र आता है, और जब बाहर क्लिक करते हैं, जब ये सेलेक्टेड नहीं होता है, तो वाइट कलर से दिखाई देता है। तो यहाँ से हमने कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, एक क्लिक हमने यहाँ पे किया। अब इसे मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ से ये लिया हमने 11 mm, 11 mm के बाद यहाँ से एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद फिर से पैड पर क्लिक करेंगे, इस बार भी जो इसकी हाइट होगी या इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5 mm, 5 है ऑलरेडी, हमने ओके पर क्लिक कर दिया। इसके बाद अब इसका हेड बनेगा, हेड के लिए हम फिर से स्केचर पर जाएंगे, इस बार इस वाले फेस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सर्कल कमांड ली, एक क्लिक सेंटर पर एक क्लिक बाहर। वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमें अलग अलग डायमीटर देने हैं और अलग अलग लेंथ देनी है। यहाँ पर इसे हम कर देंगे 16। डायमीटर 16 इसलिए किया क्योंकि हम M10 का स्टैंडर्ड साइज़ ले रहे हैं। M10 में जो कॉलर का डायमीटर होता है वो 16 mm होता है, और उसकी जो हाइट होती है या लेंथ कहिए उसको, देखिए ये हाइट जो होती है 10 mm होती है, तो यहाँ पर हम 10 mm ले लेते हैं। अब यहाँ से फिट ऑल इन, देखिए इस तरह का एक ये शेप यहाँ पर दिखाई देगा आपको। अब इसके बाद दोस्तों हम चैम्फर करेंगे। चैम्फर करने के लिए ये देखिए, ये ड्रेसअप फीचर्स है हमारे सामने, ये चैम्फर कमांड है। चैम्फर पर क्लिक किया, यहाँ पर जो वैल्यू है लेंथ 1, ये दे दिया हमने 0.5, 0.5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। एक क्लिक इस एज पर, इस एज पर, ये देखिए एक एक करके हम एजेस को सेलेक्ट करते जाएंगे। ध्यान रही रखिएगा फेस को नहीं, हमें एज को सेलेक्ट करना। यहाँ से ओके करेंगे तो ये सभी एजेस जो हैं वो 0.5 mm पर चैम्फर हो जाएंगी। अब दोस्तों हम इसमें अगला जो फीचर है हमें ऐड करना है, वो थ्रेड बनाना है हमें इसमें। थ्रेड बनाने के लिए पहले तो हम एक प्लेन ऑफसेट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने प्लेन कमांड यहाँ से ली, प्लेन पर क्लिक किया, इस फेस पर क्लिक किया। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, या तो यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन पर क्लिक करें, और ये वैल्यू यहाँ से रख दी मैंने 16 mm, और एंटर प्रेस किया और बाहर निकला है कमांड से। ये देखिए तो ये जो प्लेन है ये क्रिएट हो गया हमारा 16 mm पर, इस फेस से 16 mm की दूरी पर। तो अब इस पर हम एक सर्कल बनाएंगे, तो मैंने स्केच पर क्लिक किया, फिर इसके बाद इस प्लेन पर क्लिक किया।
अब यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा 10 mm, सेंटर वही रहेगा। यहाँ से लिया हमने 10 mm, ओके, ये यहाँ से ओके कर दिया। एग्जिट वर्क बेंच, एग्जिट वर्क बेंच करने के बाद देखिए ये सर्कल इस प्लेन पर यहाँ पे बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब दोस्तों हमें इसमें एक पॉइंट क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैंने पॉइंट कमांड देखी ये है, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर बहुत सारे मेथड दे रखे हैं लेकिन यहाँ पर हमें केवल कोऑर्डिनेट्स लेना है फिलहाल। तो कोऑर्डिनेट के लिए देखिए ये पॉइंट जो है रेफरेंस वो हम ले लेते हैं ये वाला, ये हमारे लिए ओरिजिन का काम करेगा। अब इस ओरिजिन के हिसाब से हमको पॉइंट को प्लेस करना है किसी जगह पे, तो मैं यहाँ पे एक्स देखता हूँ, एक्स में मैंने ले लिया 5 mm और टैब को दबाया, देखिए ये शिफ्ट होता है किस तरफ, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर ले लिया ये 5 mm और यहाँ से ओके कर दिया। देखिए इसके सर्कमफेरेंस पर ही एक पॉइंट जो है क्रिएट हो गया, क्योंकि इसका डायमीटर 10 mm था, तो हम ओरिजिन से 5 mm आए हैं एक साइड पर, तो ये उसी सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ से आ जाता है हमें एक एक्सिस क्रिएट करना है। एक्सिस जो है ये देखिए लाइन कमांड के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है, जनरली हर एक सॉफ्टवेयर में एक्सिस कमांड होती है, ये भी वही है, बस नाम केवल चेंज कर दिया है। यहाँ से पॉइंट, पॉइंट देखिए बहुत सारे ऑप्शन हमें लेना है, पॉइंट डायरेक्शन, पॉइंट डायरेक्शन लेंगे तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन ये हमारे लिए पॉइंट का काम करेगा, और डायरेक्शन ये फेस की तरफ, ये जो फेस है यहाँ की तरफ मैंने क्लिक किया, देखिए अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से रिवर्स पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए। अब कोशिश ये करना कि थोड़ा सा लंबा बनाना है इसे, ये बाहर निकल आए, यहाँ से ओके पर क्लिक किया। तो दोस्तों एक एक्सिस भी क्रिएट हो गया। अब हमें एक हेलिक्स बनाना होगा, हेलिक्स बनाने के लिए हम यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन, नीचे जाएंगे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगी हेलिक्स कमांड, देखिए ये हेलिक्स ये है, ये देखिए एसपी लाइन के साथ यहाँ पर हेलिक्स है, हेलिक्स पर क्लिक किया हमने। तो पहला जो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आ रहा है सामने हमारे प्रॉम्प्ट, वो है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक किया। अब अगला प्रॉम्प्ट क्या है एक्सिस के लिए, तो मैंने एक्सिस पर क्लिक कर दिया, देखिए ये एक्सिस है। अब हमें हेलिक्स दिखाई पड़ने लगा, तो अब यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन पर क्लिक किया, यहाँ पिच हम दे देते हैं 1.75 और हाइट को यहाँ से बढ़ा देंगे हम, ये हाइट ये आगे निकलती चली जाए, बस हमें वो जो थ्रेडिंग करने वाला प्रिंसिपल है वही फॉलो करते हैं, जब हम लेथ पर थ्रेड बनाते हैं तो जो टूल होता है वो यहाँ से थ्रेड बनाते बनाते आगे निकल आता है काफ़ी, यहाँ पर कहीं ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, रुकता नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से हम इसको आगे तक लेकर आएंगे हेलिक्स को, ओके पर क्लिक कर दिया। अब इसके आगे हमें एक स्केच बनाना होगा, स्केच हम उसी पॉइंट पर बनाएंगे जो पॉइंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, और स्केच बनाने से पहले हमें एक प्लेन बनाना होगा। तो पहले मैं वापस जा रहा हूँ पार्ट मॉडलिंग में, ये पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक किया, वापस आ गए हम उसी जगह पर जहाँ से शुरू किया था हमने से। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाता है प्लेन कमांड, प्लेन कमांड पर क्लिक किया, यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे नॉर्मल टू कर्व, तो कर्व हमने ले लिया ये हो गया हमारे लिए कर्व, और इसके बाद ये पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब देखिए इस प्लेन पर हम स्केच बनाएंगे, तो यहाँ से स्केचर कमांड एक्टिव की और प्लेन ये वाला ले लिया हमने। अब ये देखिए इस ओरिएंटेशन में घूमकर हमारे सामने आता है, तो अब हम यहाँ से पहले तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम इन करने के बाद यहाँ से हमने ये लिया और प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट और ये कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एलिमेंट, इस पर क्लिक किया, एक क्लिक इस पॉइंट पर किया, एक क्लिक बाहर कर दिया और फिर इन दोनों से बाहर निकल आए। ओके, तो चलिए ये पॉइंट हमारे लिए एक क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ से प्रोफाइल बनाएंगे, देखिए प्रोफाइल ये पॉइंट नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से, ये देखिए प्रोफाइल बनेगी, एस्केप से बाहर निकले, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसे, जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद यहाँ से हम डायमेंशनिंग करेंगे, ये जो लाइन है वर्टिकल इसे हमने ले लिया 0.75, ओके। अब कंस्ट्रेंट में जाते हैं, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये एंगल है ये एंगल हमने ले लिया 60 डिग्री, ओके, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं। अब ये लाइन और ये जो लाइन है इसके बीच में ये जो एंगल नज़र आ रहा है इसे भी हमने कर लिया 60, देखिए अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। अब जो है ये स्केच हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से ओके पर क्लिक किया
बस ध्यान ये रखना है स्केच बनाते वक्त कि इसका जो ये टिप है ये इस वाले पॉइंट पर टच होना चाहिए। ओके तो चलिए अब हम इसे स्लॉट कमांड हम यूज़ करेंगे। स्लॉट में देखिए ये है स्लॉट कमांड, ये आ जाएगा आपको स्केच बेस्ड फीचर्स में। जनरली स्वीप का रिमूव मटेरियल ऑप्शन है ये, स्लॉट पर क्लिक किया हमने, ये है हमारे लिए स्केच और सेंटर कर्व हमारे लिए ये है। अच्छा अब हम एक बार इसको ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ से ये फ्रंट में जाकर। अच्छा फ्रंट थोड़ा सा इसे छोटा करके देखते हैं। थोड़ा और जूम आउट किया इसको, इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रीव्यू चेक किया, प्रीव्यू चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे पोलिंग डायरेक्शन। पोलिंग डायरेक्शन लेने के बाद अब ये जो ऊपर वाला फेस है इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए। अब इसका हम प्रीव्यू चेक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, क्लोज। अब इसे हम एक बार फ्रंट में जाकर फिर से चेक कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से ये थ्रेड का जो ये पोर्शन है बिल्कुल सही आ रहा है ये। तो दोस्तों इस तरह से इसका ये थ्रेड बन जाएगा। चलिए अब हम आते हैं इसके मेन फीचर पर जिसे हमें करना है नर्लिंग में। तो नर्लिंग के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें भी यही स्लॉट ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। इसमें भी हेलिक्स बनेगा और हेलिक्स का जो पिच होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से स्केच कमांड पर जाते हैं, ये प्लेन सेलेक्ट किया, ये सर ये फेस ले लिया हमने एक्चुअली, फिट ऑल इन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो हेड का डायमीटर था वो कितना था, 16 था। तो हम यहाँ से ये एक स्केच बनाया हमने, मतलब सर्कल बनाया, इस सर्कल का डायमीटर हम ले लेंगे 16 mm। ओके ये यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद हमें एक पॉइंट लेना है, तो पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे मैंने ये पॉइंट पर क्लिक किया और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, तो 5 की जगह यहाँ पर कोऑर्डिनेट मैंने यही ले लिया और यहाँ पर 5 की जगह हम ले लेते हैं 8। ओके ये देखिए यहाँ कॉर्नर पे ये पॉइंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पर इस जगह पर, और ओके कर दिया हमने, ये पॉइंट भी क्रिएट हो गया। इसके बाद अब दोस्तों ये पॉइंट जब क्रिएट हो गया तो हमें एक्सिस, एक्सिस तो हम यही वाला ले सकते हैं लेकिन फिर भी हम एक एक्सिस और ले लेते हैं। यहाँ से मैंने एक्सिस लिया, अब यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया डायरेक्शन के रूप में, ये फेस ले लिया, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि इसको रिवर्स डायरेक्शन में किया और थोड़ा आगे ले जाते हैं, जैसे ये इसकी जो लेंथ है ये हमने 10 mm ली थी, यहाँ हमने 13 mm ले लिया और ओके कर दिया। चलिए तो इस तरह से ये चीज़ें तैयार होती हैं। अब इसके बाद बारी आती है हेलिक्स की, तो हम फिर से जाएंगे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन में और हेलिक्स कमांड पर क्लिक करते हैं। यहाँ से पहला ऑप्शन आता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन आता है एक्सिस, तो एक्सिस ये है। इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं पिच। पिच मैंने ले लिया 40। ओके 40, देखिए इस तरह से ये प्रोफाइल बन जाएगी। 40 ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके तो ये तो बन गया हमारे सामने एक, मतलब पाथ बन गया, एक ट्रेजेक्ट्री बन गई। इस ट्रेजेक्ट्री पर हम एक सेक्शन बनाएंगे। तो चलिए सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से जाएंगे वापस मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट डिज़ाइन पर। अब यहाँ पर हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लेन, ये प्लेन कमांड है, नॉर्मल टू कर्व ऑप्शन हमने लिया, तो कर्व हमारे सामने ये है और पॉइंट ये। ओके पर क्लिक कर देते हैं हम यहाँ से। ओके तो ये है हमारे सामने प्लेन जिस पर हमें स्केच बनाना है। चलिए स्केचर पर आए और इसके बाद ये ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये ओरिएंटेशन आ रहा है हमारे सामने, ये पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें अब एक स्केच बनाना है, तो चलिए हम स्केच बनाना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा इसे जूम इन कर लें, यहाँ से लिया प्रोफाइल, ये ओके, इसको ले लेते हैं पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू, ये ऐसे आ गया। थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं, पॉइंट टू फाइव। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये एंगल है, इसे हम चेंज करके कर देते हैं 60, इस तरह से। ओके, अब थोड़ा सा इसे और जूम इन कर लें। अब देखिए, इस इतने पोर्शन को हम यहाँ मिरर कर लेंगे। तो ये है मिरर। मिरर में जाने से पहले पहले तो मैं यहाँ से ये मिरर का ऑप्शन ऑन कर लिया, वापस ऑफ कर दिया। फिर इसे ये लाइन जो है हमने, और ये लाइन, इन दोनों को सेलेक्ट किया, मिरर पर क्लिक किया, और ये बीच वाली लाइन हमारे लिए हो गई रेफरेंस। बीच वाली लाइन पर क्लिक करने के बाद हमें प्रीव्यू नज़र आने लगा। यहाँ से एस्केप दबाया और ये लाइन बीच वाली हटा दी। अब थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, ये बस ये मिड जो है इस वाले पॉइंट पर आना चाहिए इसका। अब कंस्ट्रेंट पर आते हैं दोबारा। अब यहाँ से ये दोनों के बीच ये 60 शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब चलिए ये स्केच भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। ओके, अब फिट ऑल इन पर क्लिक करते हैं, इस तरह से हमें ये नज़र आने लगा। थोड़ा सा अब यहाँ पर हम जूम इन करेंगे इसको घुमाने के बाद, ये देखिए, जिससे कि दोनों ही चीज़ें, मतलब दोनों ही स्केच हमें बराबर नज़र आए अच्छे से। तो ये देखिए, ये स्केच हमें नज़र आ रहा है इस तरह से। थोड़ा सा और बड़ा कर लिया हमने। फिर से अब हम आएंगे किस पे, स्लॉट कमांड पे। ये देखिए, ये स्लॉट, ये है हमारे लिए सेक्शन, और ये है हमारे लिए प्रोफाइल, सॉरी सेंटर कर्व, यानी कि ट्रेजेक्ट्री, यानी पाथ हो गया। इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक कट क्रिएट हो गया। ओके पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से ये कट एक आर पार जाता हुआ हमें कट नज़र आ रहा है। ओके, अब क्या करना है हमें, एक पाथ मतलब एक कट हमें एक ऐसा और बनाना होगा। फिट ऑल इन पर क्लिक किया। अब इसके लिए हमें करना क्या है कि फिर से हम एक पॉइंट क्रिएट करेंगे। इस बार हमने कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे -8, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, देखते हैं इसको, -8, सॉरी, टैब दबाया, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट क्रिएट हो गया। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारे सामने एक और, हम एक हेलिक्स बनाना है, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन, और ये मिरर और पैटर्न में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसीलिए एक हमें बना ही लेना हमारे लिए बेहतर होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लिया इस बार। एक्सिस वही जो पहले बना हुआ था वही हमारे काम आ जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ पर पिच हमने ले लिया 40, टैब, ओके, ये इस तरफ जा रहा है, तो इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं इससे, तो ये इस तरफ आ जा रहा है। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज से हम इसे क्लॉकवाइज कर लेते हैं। हाँ, क्लॉकवाइज कर लिया। और यहाँ से पिच को हम अगर 30 कर दें, टैब दबाया, हाँ देखिए, अब जो है ये एक दूसरे को काट रहा है, हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब हम पिछले वाले, ये देखिए, इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद हम जाते हैं स्लॉट में, ये जो हमारे सामने कर्व बनी हुई है, पॉइंट हेलिक्स, हेलिक्स पर हमने दोबारा क्लिक किया। ये तो अभी वाली हमारे सामने आ गई 30 mm वाली। अब इसके पहले जो हेलिक्स है, ये वाला हेलिक्स है, इस पर हम गए, यहाँ पे भी अब पिच को हमने 30 कर दिया,
ये देखिए, अब 30 कर देने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक दूसरे को देखिए क्रॉस कर रही है। अब ये पिच हमने कम कर दिया। चलिए अब हम इसी पर एक स्केच बनाएंगे। जो हमने पहले प्लेन क्रिएट किया था, उसी तरीके से प्लेन क्रिएट कर लें। पार्ट डिज़ाइन में गए, दोबारा हम आते हैं कहाँ, फिर से प्लेन कमांड पर। एक प्लेन कहाँ क्रिएट करेंगे, ये देखिए ये हो गया। नॉर्मल टू कर्व ऑप्शन यूज़ करते हुए कर्व ये हो गया और पॉइंट ये हो गया। ये देखिए प्लेन क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि इस पर एक स्केच बनाएंगे, जो हमने पहले बनाया था सेम वैसा ही स्केच बनेगा। इस प्लेन को सेलेक्ट किया स्केचर में जाने के बाद, ये देखिए इस ओरिएंटेशन में हमारे सामने आ जाएगा फिर से। फिट ऑल इन किया, थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही हमें स्केच क्रिएट करना है। यहाँ से पहले तो ये सॉरी, ये प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर क्लिक किया, इसे ऑन किया और इस पॉइंट पर क्लिक किया। अब एक क्लिक बाहर किया, ऑफ किया और इसे भी ऑफ कर दिया दोनों को। अब यहाँ से जब ये पॉइंट हाईलाइट होने लगा, ये देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में आए हम कितना, ये एक ये सीधी लाइन बनेगी और इसको कर दिया 0.25। थोड़ा सा और इसे जूम इन करते हैं। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है, इसे हम कर देंगे 60। ये देखिए इस तरह से ये छोटा हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद इसको मिरर कर लेते हैं। यहाँ से लिया पहले तो ये लाइन और ये लाइन, दोनों ले ली, मिरर पर क्लिक किया, ये हो गई रेफरेंस लाइन और एस्केप दबाए, कमांड से बाहर निकले। ये बीच वाली जो लाइन है, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट तैयार हो गया और ओके कर दिया यहाँ से। अब इसको भी हम जो है स्लॉट कमांड की मदद से कट क्रिएट करेंगे। ये देखिए ये हमारा प्रोफाइल हो गया और ये हो गया पाथ, और ओके पर क्लिक किया हमने। देखिए ये इस तरह से, ये ध्यान रखना हमें कि ये जो क्रॉस है ये क्रिएट होना चाहिए यहाँ पर। अब हम इन दोनों ही स्लॉट्स को पैटर्न कर देंगे तो नर्लिंग फीचर हमारा जो है हमें नज़र आने लगेगा, नर्लिंग का जो पैटर्न है वो नज़र आने लगेगा। चलिए यहाँ से पहले तो हम स्लॉट नंबर 1 यहाँ पे ढूंढते हैं कहाँ है। ये देखिए ये स्लॉट 3 और ये है स्लॉट 2। पहले स्लॉट 2 को लिया और स्लॉट 3 को भी ले लेते हैं, एक साथ पैटर्न करते हैं, देखें होता है कि नहीं। यहाँ से ये रहा सर्कुलर पैटर्न, ये इस पर क्लिक किया। यहाँ से हमने ले लिया इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल, टोटल एंगल ले लिया हमने 360 और यहाँ से इसे हम ले लेते हैं 30। और रेफरेंस एलिमेंट हमने ले लिया इसके पीछे का सरफेस ये वाला, और यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। ओके, चलिए कैंसिल पर क्लिक किया हमने यहाँ से। तो एक बार में एक ही करके देखते हैं। स्लॉट 2 पर क्लिक किया, पैटर्न पर गए, इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल पर क्लिक किया, यहाँ पे ले लिया हमने 30, 45 की जगह हमने ले लिया 360, रेफरेंस एलिमेंट हमने ये सरफेस ले ली और यहाँ से प्रीव्यू। ये देखिए इतने मैसेजेस के बाद, लेकिन फिर भी इसने हम ओके ओके करते रहे और इसने बना दिया यहाँ पर। ओके, ये पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इस वाले स्लॉट को, यानी कि स्लॉट 3 को, इसको सेलेक्ट किया यहाँ से,
इसे भी सर्कुलर पैटर्न करेंगे उन्हीं फिगर्स के साथ, इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल 30 360, नो सिलेक्शन, यहाँ ये सरफेस ले ली और यहाँ से ओके कर दिया हमने। ओके तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से ये अब ये नलिंग पैटर्न हमें नज़र आने लगा, इस तरह से ये नलिंग पैटर्न क्रिएट हो गया। ओके तो अब हम ये जो अननेसेसरी इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये इनको हमने सेलेक्ट किया, हाइट कर दिया, इस प्लेन को भी सेलेक्ट किया, यहाँ से हाइट कर दिया, ये सर्कल नज़र आ रहा है इसे भी हाइट कर देते हैं, जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, प्लेन्स हैं, इनको भी हाइट कर देते हैं हम। ये जो तीनों प्लेन हमें नज़र आ रहे हैं इनको भी यहाँ से लेकर ये तीनों को हमने हाइट कर दिया। देखिए दोस्तों इस तरह से ये प्लेन्स जो है अब ये कोई भी प्लेन्स या नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि स्केचेस वगैरह थे हमें नहीं नज़र आ रहे हैं, फिट ऑल इन। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। कलर के लिए ये देखिए पार्ट बॉडी पर गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद देखिए ये ग्राफिक में कलर्स नज़र आएंगे हमें। यहाँ से हमने ये कलर ले लिया, अप्लाई और ओके। ये एक पॉइंट बचा है, इसे भी हमने यहाँ से हाइट कर दिया। तो दोस्तों ये था नर्लिंग हेड बोल्ट इन केटिया V5। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।